ललित पंडित ने यह कहा था कि वो पहले से जानते थे कि अरजीत सिंह आने वाले वक्त में एक बहुत अच्छे गायक बनने वाले हैं नमस्कार आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूँ आपके साथ प्रिया

यानी कि ललित जी ने जो है उन्हें पांच गाने भी ऑफर किए थे उनमें से जो है तीन सिंगर को साथ में गाने गाने थे जिसमें कि अरजीत सिंह भी थे शमित भी थे और मोना भी थी जिसके लिए वो आने वाले वक्त में काम करने वाले थे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इन सब चीज़ों को लेकर उन्होंने ये भी बोला कि उनके साथ काम करके उन्हें बहुत मज़ा आया वो एल्बम जो है वो बहुत अच्छी बनी थी और उसके बारे में जो है उन्होंने और भी चीज़ें क्लियर करी और उन्होंने बोला कि अरिजीत सिंह एक बहुत अच्छे इंसान हैं इसके बारे में जब उनसे और पूछा गया तो उन्होंने बोला कि एल्बम जो है अब खत्म हो चुकी है और वो आगे काम करना शुरू करेंगे और भी चीजों पर उनके बाद बहुत सारे स्क्रैचेज हैं रिकॉर्डिंग्स हैं जो कि वो अभी तक काम नहीं कर पाए हैं मगर वो सुंदर है और बहुत अच्छे से चलने वाली है उन्होंने अरजीत सिंह के जो पहली साउंड ट्रैक है जो कि एल्बम है जो कभी रिलीज नहीं हो पाई उसके बारे में भी जिक्र करा कि उन्होंने सोलह साल की उम्र में जो है जो पैसे पाँच लाख रुपये जीते थे गुरुकुल कॉम्पिटिशन से उसके बारे में उन्होंने जिक्र करा कि पाँच लाख रुपए जीते थे उन्होंने गुरुकुल के कॉम्पिटिशन से जिससे जो है उन्होंने खुद का स्टूडियो सेटअप किया था और उस पैसे में जो है उन्होंने गाना गाया था मगर वो कभी रिलीज नहीं हो पाया था उसके बाद में उन्होंने ये भी कहा कि अरजीत सिंह ने उसके बाद बहुत सारी चीज़ों पे काम किया बहुत सारे गानों पे काम किया और उन्होंने जो है मुकेश भट्ट के लिए भी गाना गाया है और इसके चक्कर में जो है उनके अरिजीत के पेरेंट्स भी जो है म्यूजिक इंडस्ट्री से गए तो उनके खून में ही ये गाना था उनकी मदर जो है वो बंगाली थी और पिताजी थो वो पंजाबी सिंगर थे तो अरिजीत सिंह का जो बचपन है वो गानों में ही बीता है जिसका जिक्र करते वक्त तो उन्होंने उनके पास के बारे में ही बहुत कुछ बोला उन्होंने ये भी बोला कि वो बहुत हम्बल इंसान है वो बहुत अच्छा गाते हैं उनके गाने को कौन नहीं जानता मगर उनके जो गॉड गिफ्ट आवाज़ है उसके बारे में हर कोई बताया करता है मगर उनके नेचर के बारे में कोई कुछ नहीं बताता कि उन्होंने लाइफ में कितना स्ट्रगल किया हो, और वो भी कितना मुस्काते हुए गए हैं आज उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है मगर उनका एक ऐसा स्ट्रगल था एक ऐसा पास्ट था जिसके बारे में कभी कोई जिक्र नहीं करता उसके पास के बारे में जिक्र करते वक्त उन्होंने कई सारी बातें शेयर करी और उन बातों को उन्होंने एक धागे में पिरोया ये कहते हुए कि अरजीत सिंह से मिलकर उन्हें बहुत खुशी हुई तो आपको ये इंटरव्यू की ये क्लिप जो है ये कैसी लगी कि आप भी मानते हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ जो है गॉड गिफ्टेड है या फिर उस पर उन्होंने एफर्ट्स लगाए हैं अपने ओपिनियन को कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं अपनी ओपिनियन को ज़रूर शेयर करें धन्यवाद